बारे में कुछ बताइए, प्ले के बारे में। दिल अभी भरा नहीं एक बहुत ही रेलिवेंट प्ले है, बहुत ही खूबसूरत प्ले है, इसमें बहुत ह्यूमरस सिचुएशंस हैं और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैसेज है जो कि ह्यूमन टू ह्यूमन कनेक्शन, जो आज की डेट में सोशल मीडिया की वजह से काफ़ी कम होता जा रहा है, क्योंकि आजकल हर चीज़ जो है वो डिजिटलाइज्ड हो गई है और हर चीज़ इलेक्ट्रॉनिक हो गई है, तो जो रियल हार्ट टू हार्ट कनेक्शन है वो कहीं ना कहीं हम लूज़ करते जा रहे हैं। तो उसी मैसेज को लेके एक बहुत ही खूबसूरत नाटक लिखा है श्री संजय झा जी ने, और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं इसका एक पार्ट हूँ। जैसे कि सर आप अपने शो के माध्यम से लोगों को हमेशा हंसाते ही आ रहे हैं, हम देखते हैं, तो इस प्ले में भी आपने ऐसा कोई रोल प्ले किया है जिसमें लोग हंसे या फिर? जी जी बिल्कुल, मैंने इसमें एक्चुअली भरपूर कॉमेडी की है और मेरा मानना है कि दर्शकों को एंटरटेन करना, उनको हंसाना, ये बहुत पुण्य का काम होता है और ईश्वर ने मुझे इस लायक बनाया है कि मैं लोगों को हंसा पाऊँ, तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है मैं कोशिश करता हूँ कि लोगों को एंटरटेन करूँ, तो इसमें भी आपको भरपूर ठहाके मिलेंगे और बहुत गुदगुदाने वाला, बहुत हंसाने वाला और बहुत ही अच्छा मैसेज देने वाला नाटक है ये। ब्लैक कॉमेडी है क्या है? मेरा तो ब्लैक कॉमेडी नहीं है, मेरा पूरा एकदम ज़बरदस्त लाउड है कॉमेडी, और वैसे भी थिएटर की खास बात यह है कि आपको लाउड बोलना पड़ता है, एनिमेटेड एक्टिंग करनी पड़ती है, तो वो एक मजबूरी भी है और थिएटर का फॉर्मेट ही ऐसा है कि उसको हम करते हैं उसी ढंग से, तो मेरा कैरेक्टर काफ़ी लाउड है इसमें और आपको बहुत मज़ा आएगा इसमें। तो जैसे कि आप सर टीवी शो में काम करते हो, कर चुके हो इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे, लेकिन आज आप फिर से थिएटर में, मतलब आप शुरुआत भी थिएटर से किए होंगे लेकिन फिर से आप थिएटर में ही एक्टिंग करने जा रहे हैं, ऐसा कुछ? एक्चुअली थिएटर जो है वो किसी भी एक्टर की पहली पसंद होती है, और इसकी वजह यह है कि थिएटर एक्टिंग जो है वो, स्टेज एक्टिंग जो है वो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि वहाँ पे लाइव ऑडियंस रहती है, आपके पास कोई रीटेक के मौके नहीं होते हैं, और इस वजह से सबसे ज़्यादा मुश्किल फॉर्मेट माना जाता है थिएटर एक्टिंग को, और किसी भी एक्टर को थिएटर में अगर अपने आप को उसने साबित किया या थिएटर में अगर उसने अच्छा परफॉर्म किया तो ये उसके लिए उसके करियर में सबसे अच्छी बात मानी जाती है, तो मैं बहुत खुश हूँ कि इस वजह से, क्योंकि मुझे, आप लोग जानते ही हैं, मुझे ऐसा लगता है कि जो काम चैलेंजिंग नहीं है उस काम को करने में कोई मज़ा नहीं है, तो मुझे चैलेंजेस बहुत पसंद हैं और थिएटर में एक्टिंग करना सबसे बड़ा चैलेंज है किसी भी एक्टर के लिए, तो बस मैं उस सबसे बड़े चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूँ और करता हूँ मैं। थैंक यू सर। चैलेंजिंग के साथ साथ एक एक्टर के लिए सर लगता है कि आपको थिएटर करने से एक सेटिस्फेक्शन मिलता है, मेंटल सेटिस्फेक्शन मिलता है? बहुत बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन बहुत ज़्यादा मिलता है, और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि लाइव ऑडियंस है, उनका लाइव रिएक्शन है, लाइव रिस्पॉन्स मिलता है, तो वो एक अलग ही चीज़ है। जब हम कैमरा एक्टिंग करते हैं तो उसमें 6 महीने 3 महीने 1 साल बाद वो प्रोडक्ट बन के आता है, फिर थिएटर में रिलीज़ होता है, तब लोग देखते हैं, तब रिस्पॉन्स आता है, लेकिन इसमें इमीडिएटली उस समय आपने जो जलवे बिखेरे उसी वक्त आपको पता चल जाता है कि आप कितने जलवे बिखेर पा रहे हैं, कितने कामयाब हैं, कितने नाकामयाब हैं, तो उस वक्त लाइव ऑडियंस का जो रिएक्शन है, जो रिस्पॉन्स है, वो सबसे बड़ा किक होता है किसी भी एक्टर के लिए, तो मैं इस चीज़ को बहुत ज़्यादा, इसके बहुत मज़े लेता हूँ मैं। थैंक यू। जय श्री कृष्ण। नया इस प्ले के बारे में बताइए, क्या है इसका, व्हाट इंस्पायर यू टू एक्ट इन दिस प्ले? थिएटर इंस्पायर्स मी ऑलवेज, एंड जैसे कहते हैं कि मनुष्य मिट्टी से बना है, वैसे कलाकार मंच से बनता है, ऐसा वडिलों ने सिखाया है, और सबसे पहले तो सभी दर्शकगण का बहुत बहुत धन्यवाद और सभी वडिलों को कोटि कोटि प्रणाम। इतने जद्दोजहद के समय में भी आप सब यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, यहाँ पे हमारे लिए, जनता तक हमारा संदेश पहुँचाने के लिए आए हैं, तो आपको प्यार भरा नमस्कार। और इस नाटक के बारे में अगर हम बात करें तो बहुत ही उत्कृष्ट कलाकारों के साथ हमें मंच शेयर करने का मौका मिला है, कौन ही गवाएगा, जैसे किसी लड़की को डायमंड मिले या नेकलेस मिले, वैसे हमको हमारे कलाकार अच्छे हो, हमारा काम अच्छा हो, हमारा सब्जेक्ट अच्छा हो, कंटेंट जिसको डिजिटल वर्ल्ड में बोलते हैं, मंच में कथा कहते हैं या मैसेज कहते हैं, तो वो बहुत ही अच्छा है। जो हर घर की, टेलीविज़न से आती हूँ तो कहूँगी कि हर घर में जो चले
वो चीज़ करने की मुझे कितने बरसों से आदत है वो तो आपको भी पता है। तो सबका सोचते हुए संजय झा जी ने जो स्क्रिप्ट हमें प्रपोज करी वो इतनी अच्छी इसलिए है कि आजकल जो भी वडिल वर्ग है घर में, या जो बुज़ुर्ग है, या जो माता पिता है, वो एक ही चीज़ से परेशान है, और जो गर्ल्स है वो भी आई थिंक अपने पति और बॉयफ्रेंड्स के कारण एक ही चीज़ से परेशान है कि ये लोग फ़ोन पे पूरा दिन करते क्या है। तो अगर वो देखना है कि फ़ोन जीवन की विडंबना कैसे बन सकता है, तो आइए हमारे साथ जुड़िए और फिर ये नाटक देख के कहिए कि साला ये दिल अभी भरा नहीं, क्योंकि हर चीज़ में इंसान ना कुछ और कुछ और कुछ और पाने की जद्दोजहद में जो होता है वो खोता है। तो ये ना खोने की और खोने की जो कॉम्पिटिशन है, उसमें वैदेही एक ही चीज़ सिखाती है कि बहुत पाने की लालच में जो है उसको खोना मत। और ये डिजिटल वर्ल्ड के क्या तांडव हो रहे हैं आजकल, उसके ऊपर ये पूरी कथा बेस्ड है। और कहते हैं ना कि पृथ्वी को चलाता है पंच तत्व, तो हमारे इस प्ले को चलाता है हमारे पांचों का परिवार, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, पूरी टीम, बैक स्टेज। और एक सिंप्लिसिटी इज़ द बेस्ट ब्यूटी, वो तो किसी को सार्थक करने की ज़रूरत नहीं है। तो सिंपल तरीके से बहुत बड़ी बात अगर सीखनी है और समझनी है और फिर भी कहना है कि दिल अभी भरा नहीं है, तो आइए हमारे साथ मंच में जुड़िए, हमें देखिए और खुश होके जाइए संदेश के साथ। और तो क्या कहे, वाह वाह क्या बात। और ये जो प्ले है इसका ड्यूरेशन कितना है? इसका ड्यूरेशन बहुत सारे जो हम टाउन से विरार तक जाते हैं ना, उससे कम। उतने सफर में आप मतलब इतने मजे लूट लोगे कि आप कल्याण पहुंचाओगे तो पता चले यार अभी तो दिल भरा नहीं है मेरा। लेट्स सी, आई कैन गो बैक टू सी निया एस के मेहता। और कुछ आपको डांस का भी आपका पैशन है मुझे मालूम है। हाँ, यहाँ कुछ डांस वगैरह का कुछ हम श्रीदेवी जी को एक ट्रिब्यूट जरूर दे रहे हैं, क्योंकि जहाँ पे थनगनाहट की बात आती है तो बहुत सी सुंदर नृत्यांगनाएं हमारी इंडस्ट्री में है, पर श्री जी तो श्री जी है, तो उसका एक जलवा छोटा सा देखने को मिलेगा। क्योंकि वो जो हवा वाई सॉन्ग बजता है ना, तो कहते हैं ना कि मुर्दे भी जाग जाते हैं, वो पूरा पिक्चराइजेशन भी एक ग्रैंडर था, तो वैसा हमने उनको एक ट्रिब्यूट देने के लिए एक झटका मारा है। एंड वी आर वॉकिंग विद ट्रेंड, वी आर टॉकिंग विद ट्रेंड, एंड वी आर प्रेजेंटिंग यू अ ट्रेंडी सब्जेक्ट। सो दिल अभी भरा नहीं है आप सबके दिलों में जगह बनाने से और ये परिवार के साथ जुड़ने से। तो आइए मंच के साथ जुड़िए, हमारे साथ खुश होके कहिए दिल अभी भरा नहीं है, हमारे नाटक को सराहना दीजिए, ताकि ऐसी एक्टिविटीज़ करने के लिए हमारे साथ और लोग जुड़े। ठीक है, थैंक यू, वंदे मातरम, थैंक यू सो मच गाइस। दिल अभी भरा नहीं, मतलब आरज़ुएं अभी और भी बाकी है, और ये हर इंसान के साथ, हर उम्र के लोगों के साथ होता है। दिल अभी भरा नहीं, जैसे कि टाइटल अपने आप में बताता है कि एक सीरियस कॉमेडी है, इशू थोड़ा सा सीरियस है, बहुत लाइट वे में हमने उसे हैंडल किया है, और एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे हर कोई रिलेट करेगा, स्पेशली जो पेरेंट्स है वो ज़रूर रिलेट करेंगे, और जो थोड़े से बड़े हो गए हैं, टीनएजर्स 18-19 में आ गए हैं, तो वो लोग भी रिलेट करेंगे इस चीज़ से। कॉमेडी प्ले है, जो इंटरनेट और स्मार्टफोन्स के जो रेपरकशंस हमारी ज़िंदगी में आ गए, पहले होता था रोटी कपड़ा मकान चाहिए, अभी वो स्लोगन बदल गया, अभी रोटी कपड़ा और इंटरनेट चाहिए, तो ये हमारी ज़िंदगी इसके बिना अजीब और अधूरी होती है। मतलब मैं आपके घर से कोई चीज़ चोरी हो जाए आपको इतना अफसोस नहीं होगा, लेकिन आपका मोबाइल गुम गया या टूट गया तो आपको लगेगा मैं अपाहिज हो गया या सडनली थोड़ी देर के लिए, तो ये कितना ज़रूरी हो गया हमारी ज़िंदगी में और उसके क्या प्रभाव हमारे ऊपर पड़ते हैं, एक तो वो चीज़ है, और दूसरी ये जो चीज़ जो हमारी लाइफ में आई है, जो हर चीज़ के फ़ायदे नुकसान होते हैं, इसने हमारी लाइफ को कैसे टेक ओवर किया, उसकी वजह से काफ़ी सारे फ्रॉड्स और काफ़ी सारे के हनी ट्रैप्स भी होते हैं और ये होता है, तो वो इस प्ले के थ्रू हमने दिखाया है कि एक जो इनोसेंट सा कपल है, मैं जो उसमें रोमांचक प्ले कर रहा हूँ और नेहा जो इसके अंदर वैदी ही प्ले कर रही हैं, हम किस तरह से इस चीज़ के अंदर घिरते हैं, और जो हमारे सह कलाकार, जो ये दिल अभी भराने की छोटी सी दुनिया है जिसमें सानंद है, रितेश है, आरजू है, मैं हूँ, नेहा जी हैं, तो इस चीज़ से घिर के हमारी ज़िंदगी में क्या उथल पुथल होती है, क्या बदलाव आते हैं, और हम इससे कैसे जूझते हैं, कैसे संभलते हैं, तो एक तरीके से ये हमने अपने ऊपर बिता के एक छोटा सा मैसेज देने की बहुत स्वीट और कॉमेडी तरीके से कोशिश की है,
और आई एम श्योर जो सह कलाकार हमारे साथ इसके अंदर हैं सब बहुत ही मंझे हुए हैं और बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं एंड आई एम श्योर सब लोगों को पसंद भी बहुत आएगा। क्या कहेंगे आज यहाँ पर प्रीमियर है उसके बारे में, क्या आप मतलब देखे थिएटर कभी देखे हो ऐसा? नहीं, दिस इज माय फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस। थिएटर विल बी वेरी क्लोज टू एवरीबॉडीज हार्ट। थिएटर बहुत बड़ी चीज होती है, दैट इज व्हाई आई हैव कम हियर। आई वांट टू सी इट, वॉच, अंडरस्टैंड हाउ इट इज एंड एवरीथिंग, दैट इज व्हाई आई हैव कम हियर। सर, हम जानना चाहते हैं क्योंकि आपने भी, हमने आपका गाना देखा था और आपने काफी अच्छी एक्टिंग और उसमें डांस सॉन्ग किया था, क्या कहना चाहोगे जब आप एक्टिंग के बारे में क्या सोचते हैं करियर एज अ पॉइंट ऑफ व्यू? देखिए, एक्टिंग एक्टिंग जब मैं प्रॉपर जब क्लासेस तब जाके मुझे पता चला एक्टिंग बहुत इजी सब्जेक्ट होता नहीं है। एक्टिंग एक बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट होता है, इमोशंस जुड़े होते हैं उसमें, जैसे लाफ्टर होता है, सैड, रोना, बहुत अलग 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 उसमें जोनर्स होते हैं। तो एक नॉर्मल इंसान का काम नहीं, जो आर्टिस्ट जो थिएटर में बनते हैं ना वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ से आगे आते हैं और बहुत ज़्यादा चैलेंजेस को वो फेस करके एक आर्टिस्ट बनता है। तो विच इज़ वाई वी हैव ऑल ऐसे जो शोज होते हैं, आपको आना चाहिए, यू हैव टू कम सिट अंडरस्टैंड लर्न समथिंग फ्रॉम सच प्लेटफॉर्म्स। लाइव थिएटर के बारे में फिर आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? बहुत सारे कम हो रहे हैं, बट यंगस्टर्स को मैं यही कहना चाहूँगा, जुड़ना चाहिए, डेफिनेटली आगे बढ़ना चाहिए, बिकॉज इसमें जो सीखने को आपको मिलता है ना, आपको एक नॉर्मल क्लासेस में नहीं मिलता है। आके बैठ के नरेशन करवा देंगे, नहीं मिलेगा आपको। जो थिएटर में आपको जो सीखने, अब एक जो एक्टर जो आर्टिस्ट बनोगे ना थिएटर में, ये कहीं भी आप नहीं बन सकते, सिर्फ थिएटर में थिएटर ही आपको बनाता है। और एक सवाल सर है कि कैमरे के सामने एक्टिंग करना और थिएटर में लाइव एक्टिंग करना, इसमें क्या कठिनाइयाँ और क्या चुनौतियाँ? ये सवाल आप राखी से पूछिए। थिएटर बहुत अलग चीज़ होती है। हाँ, थिएटर की जो एक्टिंग होती है, कैमरा के सामने जो एक्टिंग करते हैं इसको एक्टिंग नहीं बोलते हैं, इसको ड्रामा बोलते हैं। कैमरा जो आता है, आप जो आते हैं, मीडिया वाले जो आते हैं, आप टाइम निकाल के आप जो हमारे पास आते हैं, हमें आपको गुमराह करने की कोई अधिकार नहीं है। आप हमारी आवाज़ को देश की जनता तक आप पहुँचाते हो, हमको आपका टाइम बिल्कुल ज़ाया नहीं करना चाहिए, मेरा मानना है। ओके, अगर हम बात करें आदिल, आने वाले दिनों में किस तरह का आप सॉन्ग करना पसंद करेंगे, कुछ वेब सीरीज किस तरह का काम करना आप पसंद करेंगे, कुछ अगर आपको चीज़ें तो है मेरे पास दो तीन चीज़ें तो है। शूट इज़ गोना इमीडिएटली स्टार्ट भी होने वाला, दैट इज़ वाई मैं 8-10 दिन से मीडिया के सामने भी नहीं आ पाया हूँ, बट बहुत सारी चीज़ें आएंगी। आई डो नॉट वॉन्ट टू रिवील इट। अब देखो, सरप्राइजिंगली कुछ तो आने ही वाला है। फिल्म में आप काम कर रहे हैं, कुछ अगर आप बता सके आगे? मैं बताऊंगा, प्रोजेक्ट्स के बारे में तो मैं डेफिनेटली बताऊंगा, आपको ही बताना पड़ेगा, बिकॉज आप ही हो जो जनता को और हमको कनेक्ट करते हो, तो बताना ही पड़ेगा और मैं डेफिनेटली आपको बताऊंगा। फ्यूचर में अगर हम बात करें रियलिटी शो की, किस तरह का रियलिटी शो आप करना पसंद करेंगे? रोडीज है, काफ़ी चर्चा शो होती है, रोडीज हो, लॉकअप हो, खतरों के खिलाड़ी हो या बिग बॉस हो, डेफिनेटली ऐसा कोई शो जिसमें मेरी रियल पर्सनालिटी निकल के बाहर है और लोगों को सच में पता चले ये तो ड्रामेबाज नहीं है, ये तो प्रॉपर एक रियल इंसान है। और वो शो मैं डेफिनेटली मेरे आगे वाले जो एलिगेशन है उनके साथ करना चाहूँगा, बिकॉज लोगों को पता चले, देश की जनता को पता चले कि ये क्या इंसान था और आगे वाला जो भी था वो गलत है या सही है। देखो, एक्टिंग आप एक बार कर सकते हो कैमरा के सामने आके, स्क्रिप्टेड एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार आप कर सकते हो, बट ऐसे शोज़ में आप ड्रामा जो भी आप सोच के जाओ ना, आप टूट जाओगे 8 या 10 दिन बाद या 2 दिन बाद या 1 हफ्ते बाद या 1 महीने बाद। क्या शिकायत है वो तो, कितनी सारी शिकायत है कि मैं कहाँ हूँ, कुछ कर नहीं रही हूँ, वो नहीं मिलते ही नहीं आप? हाँ, बस मैं कुछ थोड़ा सा अपनी दुनिया में रहती हूँ, क्योंकि अगर हम दिखेंगे तो बाकी के लोग कब दिखेंगे? सही पकड़ा है, इसलिए हमने थोड़ा दे दिया, बाकी के लोगों को दिखाने का मौका दे दिया बस। ओके, आज आप प्ले देखने आए, थिएटर एक्सपीरियंस लेने आए, आप क्या कहना चाहेंगे जो रियल एक्टर है वो, आप कितने लोगों को मतलब या रियल लाइफ और रियल लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं? रियल लाइफ के बारे में, हाँ ऑब्वियसली, दिलरुबी भरानी सानंद जी के साथ काम करके आई थिंक अभी बरसों हो गए,
हम लोग बीच में भी एक काम करने वाले थे लेकिन शायद डेट मैच नहीं हुई और नहीं कर पाए, लेकिन बहुत बेहतरीन एक्टर है। वकार जी को भी मैं जानती हूँ, उनके साथ भी मैंने काम किया है। नेहा मेहता, शी इज़ ऑल्सो वेरी मतलब बेस्ट एक्ट्रेस है। देखो मैंने नाम लिया और सो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि हम लोग कैमरा एक्शन का ये चीज़ होती रहती है लेकिन लाइव देखना परफॉर्मेंस करते हुए यू नो इतनी सारी इम्प्रोवाइजेशन होती है उसमें और अलग ही मज़ा है। और सानंद जी के बारे में तो क्या करूँ, आई लाइक इट। सो आई थिंक मैं थोड़ा सा अभी इमोशनल हो गई थी कि काफ़ी सालों के बाद हम काम करें मैं देखूंगी उनको लाइव परफॉर्म करते हुए। सो अच्छा लग रहा है। ओके शिल्पा जी, अब थिएटर के बारे में क्या बोलना चाहेंगे, जो न्यू आपका भी जो जनरेशन आ रही है, कुछ भी बॉडी बना लेते हैं, सिक्स पैक बना लेते हैं, आगे खड़े हो जाते हैं, उनकी एक्टिंग उनके बारे में किस तरीके से आई है और जो परफॉर्मेंस दीजिए। देखिए वो उनकी अपनी वो है, मैं नहीं कहती कि वो गलत है क्योंकि हर कोई इंसान अपनी अपनी जो खूबियाँ है उसको पहचानता है और वो चीज़ें करता है, तो वो अपनी जगह पे जो उनको लगता है ठीक है। हाँ थिएटर अभी बनना भी बहुत कम हो गया, जैसे मुझे भी एक दो ऑफ़र आए हैं लेकिन उसकी इतनी लंबी प्रोसीजर होती है। जब किसी को देखती हूँ मैं लाइव परफॉर्म करते हुए तो ऐसा लगता है यार मुझे ये करना है, लेकिन उसके पीछे आपको मतलब बहुत पेशेंस चाहिए जो आजकल के बच्चों में बहुत कम है। हम लोगों ने कर लिया, अभी किसी को पता ही नहीं कि हम लोगों ने कितना काम किया है ऑलरेडी। और उस वक्त टीवी पे अच्छी मतलब आफ्टरनून शो मैंने किया था जिसकी रेटिंग मतलब उस वक्त 5.6 वगैरह होती थी। सो उसके बाद आज बहुत कंपटीशन है और इंस्टा आप देख रहे हो, हम लोगों को खुद काम के लिए पूछा जाता है कि फॉलोअर्स कितने हैं, जिनके फॉलोअर्स हैं उनको काम मिलता है। सो दुकान खोलने के लिए तो इंस्टा नहीं खोला है, काम मिलने के लिए इंस्टा नहीं खोलना, देना हो तो दो नहीं तो मत दो। मतलब आप क्या कहना चाहिए, मतलब एक्टिंग जिनको नहीं भी आती उनको काम मिल रहा है। सी वही जनरेशन चेंज हो गया है ना अभी तो अभी उसको कुछ बोल नहीं सकते कि लाइफ के साथ टाइम के साथ साथ सब चेंज होता है, लेकिन उस चीज़ का भी एक टाइम होता है, हर चीज़ का एक टाइम होता है। एक्टिंग जिनको आती है वो चलते रहते हैं। आज आई थिंक मैंने जितना का जो भी काम किया है, आई थिंक जिस तरीके से आप बात कर रहे हो, मैंने रिस्पेक्ट गेन की है, मैंने अर्न किया है, यू नो ये मेरी एक्टिंग की रिस्पेक्ट है। मैं इंसान कैसी हूँ ये तो बाद में आता है, लेकिन जो मैंने काम किया है वो है। सो वही चीज़ रहती है लास्ट तक। आज मैं 4 साल नहीं भी दिखूँगी कहीं पर तभी भी आप मुझे इतनी रिस्पेक्ट दोगे, मुझे ऐसा लगता है। ऐसा नहीं यार ये कहीं दिख नहीं रही है जाओ, सो तो हो गया, लेकिन है काम का तरीका आजकल बहुत चेंज हो गया है। मैं ये पूछ रहा था आपसे कि आज जो लोग भी काम भी कर रहे हैं और हर आदमी का एक मूड होता है कि मैं ये काम करना चाहता हूँ, तो आप कुछ ऐसा लोगों को मैसेज दें कि मुझे ये रोल नहीं कर पाए थी, मुझे इस तरीके का कैरेक्टर करना है, ये अभिलाषाएँ होती तो मुझे फ़ोन आता है कि रोल बहुत अच्छा है लेकिन बजट नहीं है। तो बजट नहीं है, तो बजट बाकी के सब बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं लेकिन मेरे लिए बजट नहीं है। सो मैं कहती हूँ थोड़ा बजट बढ़ाओ फिर देखते हैं, क्योंकि कर लिया काम, हमने भी काम कर लिया। ऐसा नहीं मैं कह रही हूँ कोई मुझे बहुत बढ़िया एकदम नेशनल विनिंग अवार्ड हासिल करना है, बट हो जो अच्छा लगे और मेरी रोज़ी रोटी भी चले उस पर, ऐसा काम दो उससे, नहीं तो मेरा कोई EMI नहीं रुका हुआ है, मुझे काम नहीं करूँगी तो गुड बाय। पहले था टाइम मैं बोल देती थी कि चलो ठीक है बजट कम है तो, लेकिन एक टाइम के बाद इनफ हो गया, टाइम अप, थैंक यू। बाद में बात करते हैं, ऐसे करते हैं। और मैम यहाँ पे देखिए, सुनो ये पीछे शिल्पा मैम यहाँ पे सामने मैम राइट में थैंक यू। भाभी जी घर पे ऐसे कोई नहीं आया, सब बिजी।
कभी खत्म होने के बाद किशन को सबका मैसेज आता है। हाँ, वो बहुत शर्म है। आपको कैसा लग रहा है आज आप थिएटर में, मतलब एक्टिंग देखने आए हो, थिएटर का शो देखने आए? जी, दिल अभी भरा नहीं। वेल, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ दिल अभी भरा नहीं देखने के लिए। मैंने वकार से इस प्ले के बारे में बहुत कुछ सुना है, बिकॉज आई थिंक उन्हें बहुत मज़ा आ रहा था ड्यूरिंग द प्रेप, पूरा प्रेपरेशन करते वक्त। एंड हम एक साथ एक फिल्म की शूट कर रहे थे, साइलेंस 2 की शूट, जिसमें ही वुड कीप टेलिंग अस अबाउट द एक्सपीरियंसेस एंड यू नो द इंसिडेंट्स एंड एवरीथिंग। तो मैं उन्हें फुल अपना सपोर्ट देने आई हूँ, अपने पेरेंट्स के साथ आई हूँ। सो आई एम रियली रियली एक्साइटेड एंड मैं बहुत वक्त के बाद एक प्ले देख रही हूँ। सो आई थिंक I'm feeling very happy about that, and yes, it feels great to be supporting, you know, your somebody from your own fraternity and a friend. जैसे कि एक्टर जब अपने करियर की शुरुआत करता है तो वो थिएटर से ही मोस्टली ज़्यादातर शुरुआत करता है, तो क्या आप भी अपने करियर की शुरुआत थिएटर से ही किए थे या फिर किसी और से? नहीं, एक्चुअली मैंने अपनी करियर की शुरुआत एक डेली सोप से की थी, बट यू नो आई थिंक वियर्डली इनाफ मैंने कभी थिएटर प्ले नहीं किया है, बट आई थिंक आई वुड लव टू। आई डोंट नो कि क्यों ऐसा हुआ, बट आई थिंक आई वॉज जस्ट बिजी विथ कमिटमेंट्स, तो मैंने कभी प्ले अटैम्प्ट ही नहीं किया है। आई गेस जो प्लेस किए होंगे वो शायद स्कूल में लास्ट, यू नो, वही थे। जैसे कि आपका भी कोई प्रोजेक्ट आ रहा है साइलेंस 2 करके, जी, तो उसके बारे में कुछ बताइए, इसमें आपका कैरेक्टर क्या है, क्योंकि लोग आपको देखना चाहते हैं, आपके सॉन्ग काफ़ी लोग पसंद करते हैं, सॉन्ग हो या फिर आपको मूवी में देखना लोग पसंद करते हैं, तो इसमें आपका क्या कुछ नया रहेगा? थैंक यू सो मच। साइलेंस 1 हमारी फिल्म थी Zee5 पर, मनोज बाजपाई, वकार, साहिल, हम सब की फिल्म थी साथ में, अबान देवहंस ने डायरेक्ट की है। उसका हमने सीक्वल अभी किया है, पार्ट 2, सो आप ज़रूर देखना, बिकॉज बहुत ही इंटरेस्टिंग एक थ्रिलर है, और हम सब जो है उसमें पुलिस के, यू नो, कॉप्स के किरदार निभा रहे हैं। पहले फिल्म में ऑफकोर्स जो सस्पेंस था बहुत ही अच्छा था, बट इस बार इट्स मल्टीफोल्ड, तो इस बार जो सस्पेंस है आई थिंक इट्स गोइंग टू कीप यू गेसिंग, आपको लगेगा कि अब शायद ये है या वो है, बट यू नो वील स्पिन द स्टोरी, सो इट्स गोइंग टू बी ग्रेट। इसके अलावा अमेजोन प्राइम पर मेरी फर्स्ट तेलुगु ओरिजिनल वेब सीरीज आने जा रही है इस साल, जिसका नाम है दूता, दैट इज़ विथ नाग चैतन्य एंड सम अमेजिंग आर्टिस्ट फ्राम यू नो फ्राम दैट इंडस्ट्री। सो यस, जैसे कि आपने रोमांटिक मूवी भी कर चुके इमरान हाशमी सर के साथ, फिर आपने कॉमेडी मूवी भी किया है, लेकिन अब कॉप्स का रोल प्ले करना, वो कितना आपके लिए चैलेंजिंग था या फिर डिफिकल्ट था ऐसा? आई थिंक वेरी वेरी इंटरेस्टिंग फॉर मी, क्योंकि कुछ अलग करना हमेशा एक एक्टर के लिए, यू नो, इट्स अ वेरी नाइस एक्सरसाइज। यू हैव टू थिंक डिफरेंटली, यू हैव टू ऑब्जर्व डिफरेंटली, योर मैनरिज्म्स चेंज, योर, यू नो, एवरीथिंग चेंजेस। शायद ऑडियंस को वो बहुत ही, यू नो, छोटे चेंजेस लगे, बट हमारे लिए वो बारीकियाँ जो है, दैट इज़ वॉट मेक्स एन एक्टर, एंड इट्स ग्रेट। हर साल आई थिंक अलग अलग कैरेक्टर्स अटेम्प्ट करना एक एक्टर के लिए, इट्स जस्ट द बेस्ट एक्सरसाइज। या थैंक यू आईआईटी को। यस, लास्ट कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर तेलुगु फिल्म, आपका डेब्यू होने जा रहा है, तो वो कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि अब साउथ में भी, साउथ की तरफ देखा जाए तो दो लोगों का नज़रिया बदल गया है साउथ मूवीज़ के प्रति, जी, और आप भी उसी और बढ़ रहे, तो वो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? इट वॉज़ अ ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस ऑफकोर्स। मैंने पहले कभी यू नो तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़ या इस किसी भी, मतलब हिंदी के अलावा आई थिंक कोई लैंग्वेज में प्रोजेक्ट नहीं किया है, बट इस बार मैंने एक तेलुगु वेब सीरीज़ अटेम्प्ट किया है। एज पीपल दे आर अमेजिंग टू वर्क विथ, सारे जो हमारे आर्टिस्ट थे, टेक्नीशियंस थे, कोस्टार्स थे, डायरेक्टर थे, बहुत ही अच्छे हैं, उनका वर्क भी बहुत सिस्टमैटिक होता है, सो इट वॉज़ अ वेरी वेरी नाइस एक्सपीरियंस। आई थिंक लैंग्वेज बैरियर की वजह से आई प्रॉबेबली वॉज, यू नो, मुझे वही डर था कि जब लैंग्वेज आपको नहीं आती है तो हाउ कैन यू डू फुल जस्टिस टू उनका जो भी थॉट है या जो रोल प्ले करना है, बट एट द एंड ऑफ द डे यू आर एन एक्टर, सो आई थिंक लैंग्वेज इज़ नॉट अ बैरियर एट ऑल, इट शुड जस्ट प्रॉबेबली हेल्प यू ग्रो
तो मेरे साथ यही हुआ, आई थिंक इट्स अबाउट टेकिंग दैट फर्स्ट चांस एंड या आई टुक दैट चांस या थैंक यू सो मच. थैंक यू. या लोक सेंटर फर्स्ट ऑफ ऑल सीइंग समवन विद टू फोन्स सो मच डेडिकेशन थैंक यू सो मच गुड जॉब थैंक यू.